Good morning students, welcome to your EBS class. Now today we will be discussing the yesterday's classwork. मैं कल का classwork पहले आपसे discuss करूँगी क्योंकि question answers मैंने आपसे discuss नहीं करे थे, ठीक है? So आप already लिख चुके हैं, open your notebook. अगर कोई spelling mistake होगी तो do check your spellings and if it is needed any correction there, please do it. So first question है, what kind of houses are generally found in urban areas? अर्बन एरियाज बुक में वर्ड आपने पता नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बट अर्बन एरियाज उन एरियाज को कहते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं. जस्ट आप दिमाग में रखिएगा, अर्बन एरियाज वो एरियाज है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम शहर भी बोलते हैं, ठीक है. सो पक्का हाउसेज आर फाउंड इन अर्बन एरियाज, यानी कच्चा हाउस नहीं है बच्चों, पक्का हाउसेज आर फाउंड इन अर्बन एरियाज, ठीक है. नेक्स्ट, How do the houses protect us? Houses हमें कैसे protect करते हैं? Houses protect us from all weather changes. अब यहाँ मैंने आपकी book में जो statement लिखा है, उसमें आपको rain, cold, wind ये सब कुछ दे रखा है. तो हमने यही pictures में भी पढ़ा था, but इन सबको मैंने मिला के यहाँ पे word लिखा है weather changes. सो यूटी में अगर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज डोंट राइट दीज थिंग्स, आप यही लिखना, एक ही में हो जाएगा ये सारा, ठीक है. सो हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल वेदर चेंजेस. वेदर चेंजेस कौन कौन से? दैट इज हीट, रेन, कोल्ड, विंड, एनिमल्स एंड थीव्स. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर, राइट देयर नेम्स. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाउसेस है. स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस नहीं पूछ रहे बच्चों, हमने बहुत सारे हाउसेस पढ़े थे, स्पेशल हाउसेस भी पढ़े थे. तो क्वेश्चन में हमने ये ध्यान देना है पर्टिकुलरली हमसे कौन सा वर्ड पूछा गया है, और क्वेश्चन में हमें जस्ट टाइप ऑफ हाउसेस पूछा गया, स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में नहीं बोल रहे हैं वो. सो देयर आर टू टाइप ऑफ हाउसेस, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन हिली एरियाज. नाउ इस क्वेश्चन में देयर इज अ शॉर्ट करेक्शन, जिन्होंने पहले करा था वो भी इसे करेक्ट करेंगे और जिन्होंने आज करा है वो भी उसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए. कच्चा एंड पक्का हाउसेज आर फाउंड इन हिली एरियाज. मैंने जो आपको आंसर शीट सेंड करी थी उसमें से कच्चा हाउसेज लिखे थे, बट एज नाउअडेज दोनों ही हाउसेज जो है वहां पे देखे जाते हैं, कच्चा हाउसेस भी हैं एज वेल एज पक्का हाउसेस भी हैं. सो जस्ट करेक्ट दिस क्वेश्चन, बोथ हाउसेस आर फाउंड, दैट इज कच्चा हाउस एंड पक्का हाउसेस आर फाउंड इन द हिली एरियाज, ठीक है. इसकी आप करेक्शन कर लेंगे बुक में. और अब जो आपने करना है वो काम, जो पेज नंबर 32 पे है, दैट इज सी पार्ट एंड डी पार्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे. मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, सो प्लीज लिसन केयरफुली कि हम कौन से स्टेटमेंट का को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट इज, पक्का हाउस आर वर्थ सूटेबल इन हिली एरियाज. ये पूछा गया है. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन हिली एरियाज. सो एज आई टोल्ड यू कि दोनों ही हाउसेस वहां मिलते हैं, कच्चा हाउसेस भी एंड पक्का हाउसेस भी, बट द स्टेटमेंट इज आस्किंग पक्का हाउसेस आर वर्थ सूटेबल इन हिली एरिया. आपसे स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है कि क्या पक्का हाउस हिली एरियाज के लिए सूटेबल है या नहीं, यानी पहाड़ी इलाकों में पक्का हाउस होने चाहिए या नहीं, या बनने चाहिए या नहीं. अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इट्स अ फॉल्स, हमें इस तरह के घर जो है हिली एरियाज में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत इजीली हो जाता है, और अगर पहाड़ों पे अगर हम घर बनाते हैं इस कंडीशंस में तो कई बार मकान ढह जाता है, ठीक है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट्स अ क्रॉस फॉर अस, ठीक. पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्गली बिल्ड हाउसेज, ट्रू. पक्का हाउसेज, हम जिस घर में रहते हैं दीज houses are strongly built. Kachcha houses are generally found in villages. True. आजकल ये urban areas में बिल्कुल भी नहीं दिखते, तो these are only found in village area.
मोस्ट पीपल ऑफ द सिटी लिव इन पक्का हाउस. यस इट्स ट्रू, मेजॉरिटी ऑफ अस लिव्स इन पक्का हाउस. कैरावान्स, टेंट्स एंड हाउस बोट्स आर टेम्पररी हाउसेस. यस कैरावान्स जो होते हैं जो व्हील्स पे होते हैं, टेंट हाउसेस जो कैनवस से बनाए जाते हैं, एंड द लास्ट इज हाउस बोट. ये सारे ही टेम्पररी हाउसेस होते हैं. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि टेम्पररी हाउसेस हम उनमें परमानेंटली नहीं रहते हैं. हाउस ऑन व्हील कभी कहीं घूमने जाना हो तो इट्स गुड कि आपने उसे व्हील से अटैच करा और आप लेके चले गए. टेंट भी आप तभी बनाते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं. एज वेल एज बोट हाउस पे भी हम सिर्फ टूरिस्ट पर्पज से ही जाते हैं, घूमने फिरने ट्रैवलिंग पर्पज से. सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस. और ये दोनों ही काम आपने नोटबुक में नहीं, बुक में ही करना है. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही है जो आप इसे नोटबुक में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अ कच्चा हाउस वुड हैव, अ कच्चा हाउस वुड हैव हस्क एंड डैश. अब हमारे ऑप्शंस में देखिए, हस्क का मतलब होता है, हस्क वर्ड जो होता है वो स्ट्रॉ होता है, भूसा जैसा है. ठीक है स्ट्रॉ होता है. अब कंफ्यूज मत होइएगा कि एक न्यू वर्ड आ गया तो भाई हमने तो वो पढ़ा ही नहीं है. तो लेट मी रिमाइंड यू, हस्क वर्ड जो होता है भूसा होता है. तो हमें पता है कि कच्चा हाउसेस जो है वुड हैव हस्क एंड डैश. तो ऑप्शन में शेल्टर है, मड है, हाउस एंड कश्मीर. सो इट्स ऑब्वियस कि फर्स्ट का आंसर है हमारा मड, कि कच्चा हाउस इज हाउस वुड हैव हस्क एंड मड. हाउस बोट्स आर जनरली फाउंड इन, अब दो स्टेट्स पढ़े थे हमने, केरला एंड कश्मीर. तो केरला हमारा ऑप्शन है ही नहीं. तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे ये बचता है दैट इज कश्मीर, जो हमारे आंसर की में भी गिवन है. सीमेंट रूफ इज सीन ऑन अ डैश. अब सीमेंट रूफ, सीमेंटेड रूफ यानी ऐसे रूफ जो हमारे घरों में है, जिन घरों में हम रहते हैं उनमें सीमेंटेड रूफ है. ठीक है, फ्लैट हमने दो पढ़े थे ना, स्लांटिंग रूफ पढ़े थे एंड फ्लैट रूफ पढ़े थे. तो सीमेंटेड रूफ फ्लैट रूफ होते हैं और हमारे घरों में पाए जाते हैं. सो आर फाउंड ऑन डैश, द वर्ड इज हाउस, घरों के ऊपर ही दिखता है ये. एंड द फोर्थ आंसर इज अनदर नेम फॉर हाउस मे बी. एक घर को हम क्या बोलते हैं, एक घर को हम शेल्टर भी बोलते हैं. दैट इज अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड शेल्टर. शेल्टर वर्ड का मतलब होता है पनाह. ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मेरे अभी दिमाग में, बट शेल्टर वर्ड जो है इज अ सिनोनिम वर्ड फॉर हाउस. सिनोनिम्स पढ़े थे इंग्लिश में. सो दीज टू वर्ड्स मीन फॉर सेम थिंग. ठीक है, ये चैप्टर मेरा हमने फिनिश कर लिया है. अब लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ऑन सैटरडे दैट इज टुमारो, ठीक है, सॉरी डे आफ्टर टुमारो, कल आपका थर्सडे है, सैटरडे लेट इट बी. सैटरडे को हम एक क्लास टेस्ट लेंगे. अगेन इट वुड बी लाइक सेम जो मैं आपको क्विज भेजती हूँ, बट आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भेजते हैं. देर इज अ चाइल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू नेम हिम, बट सेक्शन ए का है. प्लीज बच्चा बार बार रिस्पॉन्सेज मत सेंड करिए, एक ही रिस्पॉन्स इज इनफ, वो मेरे पास पहुंच जाता है, आपके नाम के साथ ही पहुंचता है. ठीक है, अब ये जो क्लास टेस्ट है इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट. इसके मार्क्स लगेंगे. बाद में मेरे पास कोई नहीं बोलेगा पेरेंट्स कि मुझे आप दोबारा से लिंक सेंड करिए, आई वोंट सेंड इट अगेन. आपके यूजुअल टाइम में सैटरडे को 11:15 जब आपकी क्लास लगती है बीएस की, आई बी टेकिंग द टेस्ट. मैं आपको लिंक भेजूंगी. वो टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना कंपलसरी है. 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा बच्चों का. इट्स कंपलसरी फॉर एवरीवन. अब क्लास टेस्ट मैं कंटिन्यूअसली लूंगी सो दैट कि बच्चे प्रिपेयर हो जाए यूटी के लिए, अदरवाइज यूटी आने तक बच्चे भूल जाते हैं. सो सैटरडे का जो टेस्ट है इट्स कंपलसरी, मैं एक और बार बता रही हूँ. आपके यूजुअल टाइम पे होगा और सभी अटेम्प्ट करेंगे और इसकी मार्किंग भी होगी. जिन्होंने हॉलीडे होमवर्क नहीं भेजा लेट इट बी, सबके मार्क्स जीरो लग रहे हैं. ठीक है, तो अब क्लास टेस्ट भी आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये सब कुछ आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होगा. तो बेस्ट है कि आप इसे अटेम्प्ट करें. ओके स्टूडेंट्स, बाय.